लॉकडाउन के कारण गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। जवा के रेवांचल दलित आदिवासी सेवा समिति ने गरीब असहाय जरूरतमंदों को कच्चे खाद्यान्न से भरे राशन किट वितरित किए और कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया। कोरोना संक्रमण काल में जब लॉकडाउन के दौरान सभी अपने घरों में बंद हैं, ऐसे में रीवा जिले के डभौरा कस्बे में संचालित रेवांचल दलित आदिवासी सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा रोजाना 50 राशन किट जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। समाज सेवी राम नरेश यादव ने लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को भोजन वितरित किया और जरूरतमंद परिवार को आश्वासन दिया है कि बच्चों के विद्यालय की फीस जमा करने में भी वे मदद करेंगे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सिया दुलारी आदिवासी ने लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी। ये जो संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी जैसे बीमारी बड़ी तेज़ी से फैली है, उसको लेकर के समुदाय के गरीब वंचित समुदाय के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरी तरीके से उनकी आजीविका का साधन बंद है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उसी के तहत विकास संवाद समिति और रेवांचल दलित आदिवासी सेवा संस्थान समिति डभौरा की ओर से ये समुदाय समाज द्वारा राशन जो अति गरीब परिवार हैं उन परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है और ये हो रहा है कि उनकी खाने की जो खाद्य सामग्री है उसमें जो ये किट हम लोग अपने ऑफिस में तैयार कर रहे हैं उसमें 15 किलो आटा, 8 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो नमक, 5 वट्टी साबुन और 1 लीटर सरसों का तेल, इस तरह से हम लोग जो ये खाद्य सामग्री की पैकिंग करके और अपने जवा ब्लॉक के 25 गांव में हम लोग इस खाद्य सामग्री को हर एक परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।